धातुओं में बेसिकली क्या हो गया हमारे पास में, एक तो हो गया धन आयन, क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास में धन आयन, जैसा कि अभी आपको समझाया गया है कि बहुत बड़ा मान लीजिए मेटल बार है, इसमें धन आयन हो गए हैं जगह जगह, और इसी के साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है वो परमाणुओं के नाभिकों के साथ बहुत ही लूजली यानी कि बहुत ढीले ढाले बंधे हुए हैं, तो इनको आराम से इन्होंने हटा दिया। और चूंकि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई दो पदार्थ हैं, जैसे एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, यानी कि एक नाभिक है और इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता, किसका की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जितनी एनर्जी हमको इसको निकालने के लिए चाहिए है उतनी एनर्जी हमारे पास पहले से मौजूद है, किसके रूप में, कमरे के ताप के कारण जो ऊर्जा है KT, वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा काम हो गया, यानी कि हमने क्या किया, एक पदार्थ है उसमें दो धनावेशित कण हैं, साथ ही साथ क्या है, ऋणावेशित कण हैं, और वो ऋणावेशित कण कैसे हैं, मुक्त हैं भाई, किसी चीज़ से बंधा नहीं है, किसी चीज़ से उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा, मुक्त कहा जाएगा। मुक्त का मतलब है ये आज़ाद है कि नहीं। हमारे जैसे हमारा भारत देश है, तो जब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, पहले तो बंधा हुआ था, ब्रिटिश सल्तनत के अंतर्गत था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से चली गई तो हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमारे अपने राइट है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अब आज़ाद है, इसी को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि जो पदार्थ है उसमें दो चीज़ें हो गई, एक जो है ऋणावेशित कण हो गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज क्या हो गई, धनावेशित कण। और चूंकि धनावेशित कण में हमने बताया था कि नाभिक पर संपूर्ण धनावेश के साथ साथ उसका संपूर्ण भार भी केंद्रित रहता है, इसलिए हमारे पास में जो नाभिक है वो काफ़ी वजन है, या तरीके से कह सकते हैं काफ़ी भारी है, इसलिए लगभग लगभग मोशन नहीं करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर वेरी लाइट, यानी कि ये बहुत हल्के कण होते हैं और यही मोशन करते हैं, यही गति करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही गतिमान है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिमान है, यानी कि यही क्या करेंगे, आवेश वाहक का कार्य क्या करेंगे, काहे का काम करेंगे, आवेश वाहक का कार्य करेंगे, आवेश वाहक का कार्य करेंगे, यानी कि आवेश ले जाएंगे एक दूसरे से दूसरे तक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो ये हमारे पास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब हमने बताया था आपको विद्युत धारा जब आप पढ़ते हो तो उसमें हमने बताया था आपको कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और क्लियर हम लोग समझने की जा रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में एक मेटल है, इस तरीके से धातु की छड़ है, और इसको हमने क्या किया है, बहुत सारे प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनी हुई है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 10^29, 10^29 जो होते हैं पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10^29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितना बड़ी संख्या है आप खुद ही देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और जो है क्या है, धनायन भी है। अब हम पहले तो V=0 पर अगर देखेंगे, तो V=0 पर देखते हैं तो कोई भी इस तरीके की मोशन नहीं होती है जिसके कारण कोई धारा फ्लो हो। अभी कैसी मोशन होती है वो भी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये समझते हैं कि करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से फ्लो करते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, मान लीजिए ये है, इस पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, दैट इज़ वी डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मान लेते हैं कि ये बैटरी का प्लस सिरा है और ये कैसा है, ऋणावेशी सिरा है। हमने ये बताया कि जब कोई भी पदार्थ जो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है Q × E, लगेगा लगेगा, ठीक है। तो जब इतना बल लगता है तो इसके कारण क्या होने लगता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास में अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इस धनायन वाले रेंज पर, ठीक है, और जो प्लस वाला होगा वो इस साइड में हमारे पास में अकुमुलेट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कर रखा है, बैटरी लगा रखी है जिसके कारण से, अब ये अकुमुलेट क्यों होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा, तो जितना होगा उसको यहाँ इकट्ठा कर देगा ला के, और जो धनावेश होगा उसको यहाँ इकट्ठा कर देगा ला के। लेकिन जैसे ही ये इकट्ठा होना शुरू होगा, अगर तो मान लीजिए ये हमारे पास बैटरी न लगी होती, अगर हमारे पास में विभव बराबर कितना होता, 0 होता, विभव क्या होता, 0 होता। अगर विभव हमारे पास में 0 होता तो क्या हो जाता, ये जो अकुमुलेशन है इसके कारण एक अंत
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ई आई, और जिसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, अपला विपरीत होगी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के। अगर हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस तरीके से लगाया है, इसको आप फिर से समझ सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, ठीक है, बैटरी नहीं लगाई है, ओनली बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमने इसको रख दिया है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो धनावेशित कण होंगे उन पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो प्लस वाले सारे के सारे चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, और ऋणावेशित सारे कण यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। अब जानते हो कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, यानी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये ई एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। तो ई एक्सटर्नल जो है यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो अंदर वाले के जस्ट बराबर हो जाएगी, जिस कारण से हमारा जो ई होगा, ई ई बराबर हो जाएगा ई ऑफ आई के, यानी कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यानी कि ई वेक्टर जो होगा परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जब ई वेक्टर परिणामी जीरो हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों, तो क्या होगा, ई वेक्टर परिणामी जीरो होने के कारण जो होगा हमारे पास में एफ जो होगा वो जीरो हो जाएगा, या इसको यूं कह सकते हैं कि नेट प्रवाह जो है यानी कि क्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि कोई भी करंट नहीं बहेगी। अगर सिर्फ हम विद्युत क्षेत्र में लगा विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उसके कारण से हमारे पास में कोई भी प्रवाह, जब चार्ज आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि ये करंट कैसे बहती कैसे। तो अभी जैसे आपने देखा कि जब हम मेटल को मतलब ऐसे मटेरियल में रख देते हैं उस पर पोटेंशियल नहीं लगाते, अब अगर हम पोटेंशियल लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने लगा दिया डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर सारा अगर वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में है, तो इस कारण क्या हो रहा था, धनावेश यहां पर इकट्ठा हो जा रहा था और ऋणावेश यहां पर इकट्ठा। अब जैसे बैटरी लगाओगे तो जैसे ही ऋणावेश इकट्ठा होना शुरू होगा यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके प्लस सिरे में चला जाएगा, तो यहां पर एक अगर निकला है तो क्या होगा, एक ये मिस हो जाएगा, खत्म हो गया। इसी तरीके से जैसे ही यहां निकलेगा फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलेगा एंड इट विल गो इस साइड में, तो ये क्या करेगा, इसके ये धनावेशित को खत्म कर देगा। कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हो क्या कि चार्ज का जो अकुमुलेशन है वो खत्म हो रहा है, चार्ज का इकट्ठा होना खत्म हो रहा है, यानी कि यहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र, यहां पर क्या होगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। और जो पहले कैंसिलेशन की घटना हो रही है यानी कि एक दूसरे का कट कर दे रहे थे, अब वो वाली घटना नहीं हो पाएगी, वाली घटना क्या होगी, नहीं हो पाएगी। तो जो आप समझते हो कि आई बराबर क्यू बटे टी है, आवेश प्रवाह की गति है, आवेश प्रवाह की धारा जो है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है कि जिस सिरे से हम बैटरी के कनेक्ट करते हैं इस मेटल को, ठीक है ना, तो उस सिरे में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बैटरी के इस सिरे में घुस जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ से कुछ धनावेशित कण जो है वो इस सिरे से निकल के यहाँ पर आ जाते हैं। ये यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरीके से जाते हैं। तो बेसिकली एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में अंदर में कोई भी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कण विद्युत धारा नहीं बहती है, बल्कि विद्युत धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के बाहेतर सिरे से बैटरी के इस वाले टर्मिनल से आने के और यहाँ से निकल के इस वाले टर्मिनल से या इस टर्मिनल से जा करके इस वाले सिरे में घुसने के कारण जो धारा बहती है वही होती है वैद्युत धारा। तो अब आप लोगों को ये बताना है, यह क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं, पॉइंट नंबर एक धातु के अंदर, नंबर दो सिरों के बीच तथा धातु के अंदर, और नंबर तीन सिरों के बीच तथा बैटरी के सिरों तक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु के बाहर जो धातु से जुड़ा हुआ जो तार है, चालक तार जुड़ा हुआ है बैटरी से, इसके थ्रू बहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो होती है चालकता, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण क्या होता है, वैद्युत धारा बहती है। अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन समय प्रेजेंट होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बताई थी अभी 10^29 पर मीटर की होती है, और जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा चालक होगा। अभी जितना ज़्यादा करीर होंगे, अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऐसा डाकखाना है जहाँ पर 10 डाकिए हैं, कोई भी खाता आएगा तो वहाँ से जो डाक है वो अपने निर्धारित समय पर जल्दी पहुँचेगा उस डाक की तुलना में जहाँ पर डाकिया एक है। अगर एक ही डाकिया है उसको बहुत सारी जगहों पर अकेले जाना पड़ेगा, और अगर 10 डाकिए हैं तो उसमें से कोई ना कोई तो पहुँच ही जाएगा। तो
10 डाकिया एक ही दिन में वो डाक पहुंचा देंगे, जबकि एक डाकिया 5 दिन में पहुंचाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के जो जहाँ पहुंचना चाहिए उसको नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से जब ज़्यादा आवेश वाहक होंगे तो वो अच्छा चालक होगा, अच्छे से चालकता उसमें होगी, करंट ज़्यादा बहेगी, जबकि कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर करंट क्या होगी, कम बहेगी। तो चालकता के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चांदी जो होती है वो सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद कापर चांदी से कम है, फिर सोना उससे भी कम है, और एल्यूमिनियम जो है उससे भी कम होती है। तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है, अभी आप ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। हमने अभी आपको बताया तो चालकता किस तरीके से है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि चालकता किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। ये तो हो गया, आप सबको समझ में आ गया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ की, विश्रांति काल की और अनुगमन वेग। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप समझ लीजिए तो आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। सबसे पहले तो हमने अभी आपको बताया कि जो भी पदार्थ होते हैं वो धनायनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। कहाँ से मिलकर बने होते हैं, धनायनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। और ये भी बताया कि अगर हम कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो उसके कारण कोई भी करंट जो है, कोई भी धारा जो है वो नहीं बहती, यानी कि 0 हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, अब हम इसको सबको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है एक चीज़ कि जैसे मान लीजिए हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निरंतर गति करते रहते हैं, इधर गए उधर गए इधर गए, इस तरीके से गति करते रहते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले सपोज कर लीजिए आप किसी एक बड़े कमरे में, यानी कि एक हॉल में बैठे हुए हैं, एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बेंचेस पड़ी हुई हैं बॉयज़ की, लड़कों की, और इधर पड़ी हुई हैं गर्ल्स की। अब सपोज कर लीजिए यहाँ से एक लड़का आया, ये आया बहुत तेज़ी के साथ आया 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 आया, उसके बाद ये बोर्ड से टकरा गया। क्या हो गया, बोर्ड से टकरा गया। अब जब बोर्ड से टकरा जाएगा तो यहाँ पर गिर जाएगा, ये इसका वेग क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से ये बहुत तेज़ वेग से चला था, तेज़ वेग से चला था, मान लीजिए आप 100 मीटर पर सेकेंड की वेग से चला, लेकिन ये टकरा गया तो यहाँ पर रुक गया। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा पानी वानी पिलाया, और उसके बाद में इसको उठाया, और उठाने के बाद हमने क्या किया, इसको कुछ वेग इसको दे दिया। जब वेग दिया तो फिर यहाँ से ये चला, और फिर चला, अब ये मान लीजिए दीवार थी बगल में यहाँ पर, तो ये इससे टकरा गया, फिर इसका वेग क्या हो गया, फिर इसका वेग जो हो गया वो 0 हो गया। फिर हमने इसको उठाया और फिर खड़ा किया, जैसे ही चला फिर यहाँ से चला, जहाँ से चला, और फिर ये वाली दीवार से टकरा गया तो फिर गिर गया, यानी कि U3 जो है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम जो है वो बालक जो है मूव करता है, उसका जो U1 है, U2 है और U3 है, यानी कि जो वेग है, जो प्रारंभिक वेग है, वो सब क्या हो रहे हैं, उनकी एक तो दिशा परिवर्तित हो रही है, यानी कि जैसे ये यहाँ बैठा था और ये यहाँ गया, इस दिशा में गया, फिर उसके बाद में ये इस दिशा में गया, तो यहाँ पर U2 दिशा भी परिवर्तित हुई, साथ ही साथ क्या हो गया, इसकी जो जो वेग है वो क्या हो रहा है, लगभग 0 हो जा रहा है, लगभग क्या हो रहा है, 0। तो अब इस तरीके से अगर हम 0+0+0, ये यूं कहें कि अगर हम इनका नेट डायरेक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये U1 गया होगा इस तरीके से, कभी ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया होगा, फिर इस तरीके से वापस आएगा, यानी कि U1 हो गया और ये हो गया U5। तो U1 और U5 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है लगभग, और बराबर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से औसत अगर हम सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं, इलेक्ट्रॉनों की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चला, इस धनायन से टकरा गया, अब इसका वेग मान लीजिए U1 है, फिर इसको हमने उठाया, फिर इसको धनायन से फिर यहाँ चलाया, तो इसका वेग मान लीजिए U2 आ गया, ठीक है, फिर यही धनायन जो है चला, यहाँ आ गया और इसे टकरा गया, ये मान लेते हैं U3 हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये गया वहाँ पर, उसके बाद इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये गिर गया वहाँ पर, लेकिन प्रारंभिक वेग था वो 0 नहीं था। उसके बाद जब इसको उठाया गया तो फिर ये चला, अब उठाता कौन है, जैसे हमने बताया था अभी आपको कि KT बराबर कितना होता है, 30 मिली इलेक्ट्रॉन। ये जो है आपको याद रखना है, दिस इज, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे पाठ के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये जो ऊर्जा है यही इसको फिर से मिल जाती है एक गतिज ऊर्जा के रूप में। कैसे मिलेगी बेटा, गतिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि K बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, K बराबर होता है आपके पास, आपको मालूम होगा K बराबर होता है 1/2 mv². तो 1/2 mv² है, यानी कि अगर KT है, KT is equal to 1/2 mv², तो KT अगर 0 नहीं है तो mv² भी 0 नहीं होगा, यानी कि वेग कुछ आ जाएगा, और इसी की मदद से हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाएंगे और इलेक्ट्रॉन हमारा फिर से गति करेगा और फिर से इस वाले परमाणु से जाके टकरा जाएगा, फिर से ये चलेगा, फिर से टकराएगा। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, एक टक्कर हुई, टक्कर नंबर एक, फिर टक्कर नंबर दो, फिर टक्कर नंबर तीन, इस तरीके से ये टकराता ही रहेगा और फिर जाकर के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, और बहुत सारे टक्कर हो सकते हैं, 4-5 कितने होंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या है, ये निश्चित है कि इसमें टक्कर होंगे जरूर।
ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब भी किसी भी पदार्थ या परमा पदार्थ के अंदर गति करता है तो वो धनायनों से निरंतर क्या रहता है, टकराता रहता है, और इसी गति को कहा जाता है यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक, यादृच्छिक गति कहते हैं, या इसी को कहा जाता है अनियमित गति। क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति इसलिए है क्योंकि ये रैंडम मोशन है, पता ही नहीं है कहाँ जाएगा, ये जरूरी नहीं कि यहीं जाएगा, इस वाले से टकराया भाई यहाँ चला गया, और यहाँ पर भी जा सकता था, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन और एक साथ ये भी है कि इसका जो रिजल्ट, इसका जो परिणाम ही आएगा, क्योंकि भाई ये अलग अलग मान लीजिए वेग से गति कर रहा है, U2 है, U3 है, कोई कोई ऐसा वेग आ सकता है कि यहाँ पर है और इसके बाद वापस आए इस तरीके से, यहीं से वापस चला जाए इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेग हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, दिशाएं अलग अलग हैं, तो इनका जब हम योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा, यानी कि यू एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN बटे N, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत जो वेग है, अब ये जो वेग आ रहा है वो कमरे के ताप के कारण आ रहा है, कमरे का ताप क्या है, एक तरीके की ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से जो वेग मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, ऊष्मीय वेग, क्या कहेंगे उसको, ऊष्मीय वेग हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत औसत ऊष्मीय, औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है बेटा, जीरो होता है। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, जीरो, यानी कि यू बार होता है जीरो, यू बार क्या होता है, जीरो होता है। अब U बार जीरो इसका मतलब U1, U2 ये सब नहीं जीरो होते हैं, बल्कि U1, U2, U3 तो होते हैं 10^5 मीटर पर सेकंड। कितनी बड़ी संख्या हो गई है, 100 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 100 किलोमीटर की दूरी चलेगा अगर ये पूर्णतया स्वतंत्र हो ऊष्मीय वेग से चलने के लिए। लेकिन इतनी तेजी से चलने के बावजूद भी क्या हो रहा है, ये कहीं नहीं जा पा रहा है, ना तो ये कोई वैद्युत धारा उत्पन्न कर पा रहा है और ना ही ये कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर, कुल मिलाकर के इसका जो परिणाम ही है वो क्या है, जीरो है। यानी कि जब तक हम किसी भी पदार्थ के ऊपर विभव नहीं लगाएंगे तब तक वहां पर धारा नहीं बहेगी, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमें हमने बताया कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा चलता है, इसे टकरा गया, और फिर उसके बाद में यहाँ से जब चला तो ये क्या होगा, इसे टकरा गया, तो मान लेते हैं एक टक्कर ये है इधर, और ये मान लेते हैं कि ये क्रम से हो रहा है, यानी कि पहले ये हुआ और पहले ये हुआ, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी चली जाती है, जो दो क्रमागत टक्कर हैं भाई, एक पहले ये हो गई और दूसरी क्या हो गई, ये वाली, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। इसे λ1 λ2, मान लीजिए λ1 चला फिर λ2 चला, इसी तरीके से ये थोड़ी नहीं जरूरी λ2 के बाद रुक जाएगा, लेकिन दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो चली गई दूरी है उसको कहा जाता है मुक्त पथ कहते हैं। अब इसी तरीके से बहुत सारे पथ होंगे, दो क्रमागत टक्कर मान लीजिए फिर चलाइए तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पथ हो सकते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरियां हैं उनके औसत को मान लीजिए λ2 यहाँ चला, λ1 यहाँ चला, λ3 यहाँ चला, इस तरीके से बहुत सारी दूरियाँ चलेगा, तो कुल मिलाकर के इन दूरियों का जो औसत होगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट डॉट बटे में n, ये क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी के औसत को कहा जाता है माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और चूंकि दूरी चली जाएगी भाई, दूरी चली जाएगी तो उसमें क्या होगा, समय भी तो लगेगा, समय लगेगा, इस समय को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूरी तय की गई औसत उसे कहेंगे लैम्डा माध्य मुक्त पथ, और जो समय लगेगा उसे कहेंगे विश्रांति काल, इस टाउ कहते हैं, ठीक है। और जो वेग है उसे कहा जाता है ऊष्मीय वेग, इसका मान कितना होता है, 10^5 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, माध्य मुक्त पथ क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसके द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, या माध्य मुक्त पथ कहलाती है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है ऊष्मीय वेग, तो आपको बता ही दिया हमने, धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच जिस वेग से निर्मित उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं, और इसका मान कितना होता है, 10^5 मीटर पर सेकंड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग रख लीजिए। श्रांति काल में बताया दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी तय करने में जो भी समय लगता है
माध, उसके माध को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब इनके मान आप देख सकते हो कि ऊष्मीय वेग जो है इसका मान हमने बताया 10^5 मीटर पर सेकेंड होता है, एवरेज जो होता है औसत क्या होता है, जीरो हो जाता है, माध्य मुक्त पथ जो होता है वो 10^-9 मीटर की कोटि का होता है, लगभग लगभग आप देख सकते हो 10 एंगस्ट्रॉम, और श्रांति काल आप देख पा रहे होगे कि 10^-14 सेकेंड। ये सारे मान हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद ये तो समझ में आ गया आपके, वेग हो गया, सदुष्मी वेग हो गया, माध्य मुक्त पथ हो गया, श्रांति काल हो गया। अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं अनुगमन वेग। क्या समझेंगे? अनुगमन वेग। इसकी परिभाषा आप देख सकते हो कि किसी चालक के सिरे पर विभवांतर आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत वेग से तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच चलने लगते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ये तो वेग वो है जब हम धातु के सिरों के बीच, अब वैसे भी हमने अभी आपको बताया था कि जब धातु के सिरों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, विभवांतर लगा देते हैं, तो हमारा धारा बहने लगती है। जब तक नहीं लगाते तब तक कोई धारा नहीं बहने लगती, जब लगा देते हैं तो धारा बहेगी, और जिस के कारण बहती है वो होता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, क्योंकि एक निश्चित वेग वो ग्रहण करेंगे और उसके साथ वो चलेंगे, चलेंगे जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाह होगा आवेश का तभी तो धारा बहेगी, और जब प्रवाह ही नहीं होगा, जब क्यू ही जीरो हो जाएगा, तो धारा भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अनुगमन वेग की परिभाषा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा वैद्युत का चालन देखते हैं, कैसे कि अपवाहन वेग जो है वो किस तरीके से बनता है। तो अब ये देख लीजिए आप, सबसे पहले हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धनायनों से टकराते रहते हैं, ठीक है। अब टकराते हैं कोई दिक्कत नहीं, अब सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आया आपका और इसे टकराया ये, उसके बाद यहाँ पर एक धनायन है, 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 ठीक है। जब हमने V बराबर जीरो कर रखा है तो यहाँ चला, ये आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ आ गया आपके पास में प्लस, फिर ये टकराया इस तरीके से, फिर ये आकर के वहीं पे रुक गया जहाँ से ये चला था, तो इसके कारण जो एवरेज जीरो बना हमारे पास में वो जीरो हो गया, ना तो एवरेज कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि कोई डेल्टा क्यू जो है वो नहीं हुआ, डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। जब इलेक्ट्रॉनों ने सारा कुछ करने के बाद भी कोई आवेश प्रवाहित नहीं किया, भाई जहाँ से चले थे वहीं आ गए, विस्थापन तो हुआ नहीं कोई, विस्थापन का मतलब यहाँ पर ये है कि आवेश का प्रवाह नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जब गया ही नहीं कहीं वहीं रहा आवेश, इसका मतलब आवेश चला ही नहीं, आवेश चला ही नहीं यानी कि आवेश प्रवाह नहीं हुआ, आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो वैद्युत धारा क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन ये कब है, जब हमारे पास में विभव जीरो है, कब है ये, जब विभव जीरो। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में हमने विभव लगा दिया, फिर वही मान लीजिए सारा कुछ, विभव लगाओगे तो सबसे पहली बात क्या होगी, वी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ जो होगा वो भी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, भाई विद्युत बल लगेगा यहाँ पर। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चला, चल गया ये यहाँ तक, फिर जब ये चला यहाँ पर इसका जो U1 है वो इसके फाइनल जो होगा डैश वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये टकराएगा यहाँ पर गिर जाएगा, उसके बाद जब ये उठेगा इस बार तो फिर से चलेगा, लेकिन अब क्या है कि वैद्युत बल भी यहाँ पर लग रहा है, तो जिस हिसाब से इसको चलना चाहिए था अब वो थोड़ा सा विस्थापित होकर के दूसरे रास्ते पर चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक बल है, यानी कि दो प्रकार की ऊर्जा, एक तो वैद्युत बल के कारण इसको ऊर्जा मिल रही है, विद्युत ऊर्जा, और एक जो कमरे के ताप के कारण ऊर्जा है वो तो मिल ही रही, तो इसके कारण से ये दूसरे वेग से दूसरी दिशा में गतिमान होगा, और इसी तरीके से ये मान लीजिए यहाँ पर है, फिर उसके ऊपर उठेगा, फिर इसे चलेगा, और फिर ये चलेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। आना तो इसको यहाँ पर चाहिए था ए पे, लेकिन आया ये बिल्कुल बी पर, कहाँ आया, बी पर आ गया, तो बी पर आने के कारण अब इसका जो हमारे पास में रिजल्ट बन रहा है उसका रिजल्ट आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो क्या बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया था, ए से चला था और आया कहाँ पर, लौट के बी पर आ गया, कहाँ पर आ गया बेटा, बी पर आ गया। अब आप जानते हो कि हमारे पास में एक होती है एक्स अक्ष होती है और एक होता है वाई अक्ष होता है। अब अगर कोई कण यहाँ पर था और थोड़े समय के बाद यहाँ पर चल गया तो इसका मतलब क्या है, इसने एक्स दिशा में विस्थापन कर लिया, यानी कि डेल्टा एक्स इसका डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने कुछ चला, चला तो जरूर बहुत कम चला है, मतलब लगभग लगभग माइन्यूट है, बहुत ही कम है, लगभग नगण्य है, लेकिन फिर भी तो कुछ आवेश प्रवाहित हुआ है, और आवेश अगर प्रवाहित हुआ है तो वहां पर बच्चों क्या होगा, धारा भी तो बहेगी, धारा डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना प्रारंभ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में तो हमारी वैद्युत धारा बहेगी, वैद्युत धारा क्या होगी, बहेगी, वैद्युत धारा का प्रवाह भी होगा।
अब यहाँ पर ये जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, तो विभव के लगा देने के बाद, विभव आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन जो भी वो सूक्ष्म नियत वेग जो ग्रहण करते हैं, जिसके कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, उसी सूक्ष्म नियत वेग को कहा जाता है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या है दोस्तों? अनुगमन वेग जो है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसी चालक के एक सिरे पर विभवांतर आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत वेग से तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच चलने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि उन्होंने एक वेग ग्रहण कर लिया है, किसके कारण? विभवांतर के कारण। वेग तो पहले भी था उसमें, वेग पहले भी था भाई, उसमें वेग था, बहुत ज्यादा था, लेकिन अब विभवांतर के कारण उसने एक नया वेग ग्रहण किया, और वो वेग जो होगा वो उसमें वेग के ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब उसके उससे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, और उसके कारण से आवेश का एक प्रवाह होगा, और इस वेग को कहा जाएगा अनुगमन वेग। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये यहाँ तक का सारा कुछ क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप निश्चिंत होकर के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ना, अनुगमन वेग जो था वैद्युत धारा में संबंध, ये अगर आप समझ लेते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ओम के नियम का सत्यापन वगैरह करेंगे, वो सब समझ में तभी आएगा जब ये आप समझ लोगे कायदे से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, देखने की ज़रूरत ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी मेटल है, और मेटल में सबसे पहले तो आपको बता दें हम कि मान लीजिए हमारे पास में एक ए है, ऐसे समझिए थोड़ा सा, जैसे कि हमने बताया था आपको अभी शुरुआत में कि जो भी पदार्थ होते हैं वो धन आयनों से और ऋण आयनों से मिलकर के बने होते हैं, और अगर हम सिलेंडर टाइप में ले लें इस तरीके से, तो अब क्या होगा कि धन आयन ऋण आयन इस तरीके से होंगे, और इसमें बहुत सारे परिच्छेद क्षेत्रफल होंगे। परिच्छेद का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, उसको हम अगर खड़ा खड़ा इस तरीके से काट दें, अनुप्रस्थ काट ले लें उसकी, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है इस तरीके से, इसको काट दीजिए इसे गोला गोला, ठीक है, ये एक निकाल दीजिए, फिर ये निकाल दीजिए, फिर ये निकाल दीजिए, इसी तरीके से बहुत सारे गोले गोले इसमें से काट दीजिए, तो ये क्या कहलाएंगे? बेसिकली अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल रहेगा। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ दो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मानने वाले हैं, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, एक ये है हमारे पास और एक ये, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी धन आयन होंगे, ऋणायन होंगे, धन आयन होंगे, ऋणायन होंगे, होंगे भाई सारी जगह होंगे। तो जब आप क्या करते हो, इसमें बैटरी लगा देते हो, तो हम सिर्फ दो मतलब जो है कॉर्नर्स को सपोज करें, मान लीजिए ये है धन आयन और ये धन आयन, ये धन आयन, ये धन आयन, ये धन आयन, यानी कि इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, इस तरीके से सपोज कर लीजिए, ये मान लिया कि हमारे पास में ये एक ए वन हो गया और एक ये क्या हो गया, ए टू हो गया, क्या हो गया, ए टू। अब इसके साथ में भी धन आयन है, ऋण आयन है, और इसके साथ में भी धन आयन और ऋण आयन है। अब ऐसा नहीं है कि ये है तो इनके बीच में कुछ नहीं होगा, बल्कि इनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे ही क्रॉस सेक्शंस होंगे, अनुप्रस्थ काट होंगी, और उन पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और धन आयन होंगे, लेकिन धन आयनों से हमें लेना देना है नहीं कुछ, क्योंकि ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह गति नहीं करते, ये बद्ध आयन है, ये गति नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों से ही लेना देना है। अब हम अगर ये यहाँ से पता कर लें कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हमें वैद्युत धारा मिल जाएगी, और वैद्युत धारा मिल जाती है तो उसका हम अनुगमन वेग से संबंध निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए आप कि इसके बीच में मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और विभव हमने लगा दिया है इसमें, आप देख पा रहे हो कि ये ऋण विभव है और ये धन विभव है, तो इलेक्ट्रॉन गति किधर से करेंगे, इस साइड से, इस साइड यानी कि निगेटिव से प्लस की ओर गति करेंगे, यानी कि यहाँ से गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से। अब एक और चीज़ आप सभी ने जो है पंप जो है देखा होगा, साइकिल वाला जो पंप होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, उसमें एक पिस्टन लगा होता है जिसको हम नीचे की तरफ दबाते हैं, जब नीचे की तरफ दबाते हैं तो यहाँ पर जो हवा के कण होते हैं वो एक नली से जो जो साइकिल होता है उसमें घुस जाते हैं, यानी कि ये सारी की सारी हवा जा करके आपकी इसमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम इस पंप को क्या करते हैं, इस पिस्टन को ऊपर खींच लेते हैं, मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पर आ गया, तो क्या ये इसकी हवा खाली हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर से बाहर से हवा आ करके इसमें भर जाती है, और फिर जब इसको नीचे लाया जाता है तो यही हवा जा करके फिर से साइकिल में भर जाती है, यानी कि हवा प्रवाहित होती है, और कितनी हवा प्रवाहित होती है, जो इन पिस्टनों के बीच में भरी हुई है भाई, इसी हवा का तो प्रवाह होता है, सेम यही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए कि जब हमने क्या किया, एक तरीके से यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, विभव लगा दिया, क्या लगा दिया, विभव लगा दिया, जब विभव लगाया तो इनके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो मान लेता हूं मैं कि डेल्टा टी समय में क्या हो गए, सारे के सारे इस सिरे से निकले और इस सिरे में प्रवेश कर गए, ठीक है, उसी समय यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां प्रवेश कर जाएंगे, कुल मिलाकर के देख पा रहे हो कि आवेश का प्रवाह होने लगा। कैसे हुआ भाई? जब आपने बैटरी लगाई तो बल लगा, बल लगेगा तो प्रेशर यानी कि एक तरीके का दबाव, जैसे कि पिस्टन दबाया गया, बल लगा तो दबाइए, और दबाइए वाला मान लीजिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कुछ समय के बाद यहाँ आ गए,
कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और ये वाले आगे चले गए, फिर इसी तरीके से ये और आगे चले गए, और यही सारे के निकल करके बाहर आ गए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यानी कि ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला। लेकिन क्या इसके मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई? ऐसा नहीं, हरगिज नहीं। ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे गए तो जरूर, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन फिर से वहां पर आ गए। जैसे अभी हवा देख रहे थे आप, हवा बहुत है वायुमंडल में, इसी तरीके से यहाँ पर पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10^29 m³। बहुत बड़ी संख्या है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कभी कमी नहीं होगी, और जब तक विभव लगाओगे तब तक विद्युत धारा बहती रहेगी। अब इसी को दोस्तों समझना है। अब चूंकि हमने बताया कि जिस वेग से गति करते हैं जब विद्युत लगाते हैं तो उसे कहते हैं विरी अनुगमन वेग। तो सपोज कर लेते हैं कि Δt समय में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ दूरी तय करते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि दूरी जो होती है वो होती है चाल और गुणे समय। क्या होती है? चाल गुणे समय। तो अगर Δt समय में जो है Vd वेग से चले और उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली, s दूरी, यानी कि Vd इंटू Δt दूरी तय कर ली। ये क्या हो गई? दूरी। ये क्या हो गई दोस्तों? दूरी। अब अगर हमारे पास में अगर कोई सिलेंडर है, मान लीजिए इसी को अगर हम सिलेंडर ले लें, इतना काट लें इसी में से, मान लेते हैं काटते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जब आप इसको काटोगे, ये मान लीजिए हमने सिलेंडर इसमें से काट लिया इतना, और इसकी जो हाइट हो गई दोस्तों वो क्या हो गई? वी डी और Δt। और हम अगर मान ले कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इसका जो आयतन बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा? ए वी डी Δt। क्या बन जाएगा दोस्तों? ए वी डी Δt हो जाएगा। इसका जो आयतन बनेगा वो हो जाएगा ए वी डी इंटू Δt हो जाएगा। अब अगर हम ये मान ले कि एन जो है वो प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काहे में है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उस आयतन में यानी कि जो सिलेंडर हमने माना, इस सिलेंडर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, इसका आयतन निकाल लें और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। अगर हम इसका आयतन निकाल लें और गुणे स्मॉल एन कर दें, यानी कि प्रति एकांक आयतन में जितने हैं उसको अगर हम आयतन से गुणा कर दें, तो उस आयतन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में बता दें कि जैसे मान लीजिए 100 बालक हैं हमारे पास में, और प्रति बालक के पास में एक सेब है। कितने सेब हैं? एक सेब है। तो 50 बालकों के पास कितने सेब होंगे? 50 × 1 यानी कि 50। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास में प्रति एकांक वॉल्यूम में कितने, प्रति एकांक वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रति एकांक जो आयतन है उसमें एन इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन है। और हमारा टोटल आयतन है वी। अब अगर स्मॉल वी आयतन में लेना है तो क्या करेंगे हम लोग? एन इंटू स्मॉल वी कर देंगे। और चूंकि वी स्मॉल वी है, उसका मान है ए वी डी इंटू Δt। तो इस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एन ए ई वी डी Δt, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास में? एन ई वी डी Δt। समीकरण नंबर एक इसको मान लीजिए आप। आगे आइए, जब इलेक्ट्रॉन पता चल गया और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? स्मॉल ई माइनस। तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा? Δq समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा, भाई यही तो प्रवाहित हो रहा था, यही हवा थी, यही प्रवाहित हो रही थी, तो आवेश कितना प्रवाहित हो जाएगा? एन की जो है एन ए वी डी Δt, इतना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। अब सब धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह और बटे समय, यानी कि Δq बटे Δt। तो वी डी Δt हो जाएगा आपके पास में ए एन ई बटे टी, और ये Δt से Δt कैंसिल हो जाएगा, तो आई आ जाएगा आपके पास में। दिस इज आई बराबर एन ए ई वी डी। अब धारा का मात्रक क्या होता है आपको पता है? एम्पियर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं Δt समय में, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट रहा हो आपको तो फिर से समझ लीजिए। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये बहुत बड़ा कोई पदार्थ है, वो धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर के बना है, और उसमें हमने क्या किया? 2 क्रॉस सेक्शन ले लिए, 2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ले लिए। एक मान लीजिए इसका नाम एक्स है और एक वाई है। अब ये लिए हैं तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के कारण प्रवाह, हमने सिर्फ लिया है Δt समय के लिए निकाय इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब पूरे समय के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो धारा आ रही है वो इस Δt पर निर्भर ही नहीं कर रही है, तो इसी को हम पूरे पदार्थ के लिए बढ़ा देंगे तो वही हमारा जो रिजल्ट आया है Δt समय, वही पूरा सत्य होगा पूरे के लिए। तो हमने छोटा सा लिया इसमें से Δt समय के लिए, हमने देख लिया कितने प्रवाहित हो रहे हैं, कितने प्रवाहित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो हमें निकाल लिया, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश निकाला, आवेश प्रवाह होता है, उसको Δt से भाग कर दिया सीधे सीधे आगे।
ये फिर से देख लीजिए आप, मान लीजिए एन प्रत्येक अंग आयतन में इलेक्ट्रॉन है, वीडी डेल्टा टी वाले सिलेंडर का आयतन कितना है उतना और उसके गुणे एन कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो आवेश भी पता चल गया, आवेश, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको डेल्टा टी से भाग कर दिया। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, एनी डाउट, तो आप निश्चिंत होकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं या फिर यही यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।